सी मगर आज शो इज ऑन नाउ. बिल्कुल जी ऐसी, और मुझे लगता है सब आज इतना खुश हैं कि हमारे प्रोडक्शन टीम ने म्यूजिक लगाई हुई हमारे कान में, मतलब जश्न मना रहे हैं कि हम म्यूजिक ही सुन रहे हैं मुसलसल अपने कान में. तो खुदा रहा ये म्यूजिक हमारे कान में बंद कर दीजिए, इतना जो खुशी का माहौल यहाँ पे बना हुआ है. बट यस, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम पाकिस्तान. मुशी भाई कमिंग टुवर्ड्स यू, जिस तरह टीम पाकिस्तान ने कल परफॉर्मेंस दी है, इट वॉज मतलब इट वॉज अमेजिंग. आप बात करते हैं कि ऊपर से दो विकेट गिर जाए, बाबर आजम आर सुप्रीम बैटर और वो रन ना जोड़े, बट बाबर आजम वुड बी वन लकी कैप्टन, क्योंकि जो है अगर वो रन नहीं भी कर रहे और टीम पाकिस्तान इतनी कन्विंसिंगली इस तरह जीत रही है, सो नथिंग बेटर देन दैट. आई थिंक क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी बैटर्स बेसिकली एंड द बॉलर्स. लेट मी टेल यू, लास्ट 10 ओवरों में जिस तरह कम बैक किया है, पहले वहां से वापसी हुई हमारी, वरना 400 का स्कोर लग रहा था. और वो जो कम बैक किया आखिरी 10 ओवरों में, वो एक्चुअली पाकिस्तान को एक मोमेंटम शिफ्ट होता है बैटिंग में. और जो हमने बैटिंग देखी है थोड़ी बहुत, मैंने हाइलाइट्स देखी, पूरा मैच नहीं देखा, उसमें मुझे लग रहा था कि अगर कोई बैट्समैन सेट हो जाता है तो यहाँ पे श्रीलंका की बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं थी कि उस वो आपको डिफेंड कर सकती अगर पार्टनरशिप लगती है. बट 345 और 45 करना, चाहे वो क्लब का मैच भी हो, इट्स अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तानी टीम. बट दो तीन डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे किए हैं, उनका क्रेडिट देना चाहिए उनको, अब्दुल्ला शफीक को फखर जमान की जगह. ये एक बड़ा ऐसा था कि अब हम ये सोच रहे थे एज एन एक्सपर्ट कि वो जरा स्लो डाउन हो जाते हैं, लेकिन 99 पर भी एक बाउंड्री के साथ अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है. लगा ही नहीं कि वर्ल्ड कप का डेब्यू मैच है किसी लड़के का, और 90s में भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल हम देख रहे थे कि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स जो कि बड़े अरसे से क्रिकेट खेलते हैं उनसे भी ऊपर दिखाई दे रहा था. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, हमेशा टेक्निक की मैं बात करता हूँ. टेक्निकल प्लेयर जब भी खेलेगा, अगर वो चलेगा तो वो लंबा जाएगा, वो मैच को साइड पे करेगा. जिस तरह की उसने क्रिकेट खेली है, हर तरफ खेली है, ग्राउंड के चारों तरफ क्रिकेट खेली है, और अच्छे तरीके से, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, कोई हवा हरी उड़ी नहीं थी, बड़े अच्छे तरीके से लेके गया. उसे जय मुजी भाई ने भी कह दिया कि रिजवान को उसी चीज़ का फ़ायदा हुआ. जिस तरीके से वो खेल रहा था, उसने प्रेशर आने नहीं दिया. हालांकि सीनियर प्लेयर रिजवान है, रिजवान पहले से खेल रहा है, वो अंडर प्रेशर था. मुजी भाई ने भी कहा था ये अगर ये आएगा इस पर प्रेशर होगा और मुश्किल है, लेकिन हमने ये बात की थी कि प्रेशर में, मुश्किल में जब ये रन्स करेगा तो और बड़ा होगा, और उसने करके दिखाया. अल्लाह ने उससे काम लिया, उसने ऐसी ज़बरदस्त इनिंग खेली है कि पूरी टीम को खड़ा किया उसने. बिल्कुल. और टेक्निक हमेशा आपको काम देगी. कभी भी T20 वाला प्लेयर इतनी अच्छी इनिंग नहीं खेल सकता. बिल्कुल. टेस्ट वाला खेल सकता है, और ये टेस्ट काफ़ी अरसे से खेल रहा है. बिल्कुल. टेस्ट की वजह से प्रेशर, जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता है वो प्रेशर को हैंडल करना जानता है. तो हमें ये आज इससे भी सीख लेना चाहिए जो कल अब्दुल्ला शफीक खेला है जी, कि टेस्ट वाला बंदा खेल सकता है T20, T20 वाला टेस्ट नहीं खेल सकता, वनडे नहीं खेल सकता, उसको मुश्किल होती. बिल्कुल. लाला फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. हम बार बार ये बहुत सुनते हैं, इस कहावत को हम बहुत दफा इस्तेमाल करते हैं, मगर जिस तरह कल एक ब्रेव डिसीजन टीम मैनेजमेंट की तरफ से आया, दो के जिस तरह मुशी भाई ने भी कहा कि हम सब ये कह रहे थे कि नहीं जी अब फखर है तो फखर को लेके जो है वो करें, फखर के बारे में बात करें. लाला आपको मेरी आवाज आ रही है? आप लाला, आप आवाज, मेरे ख्याल से लाला अभी हमारी आवाज नहीं सुन सकते. इरम, कमिंग टुवर्ड्स यू, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और जिस तरह बहादुरी का एक डिसीजन लिया, एंड दैट डिसीजन पेड ऑफ वेरी वेल. मतलब अब अब्दुल्ला शफीक ने तो कर दिखाया है, कमाल कर दिखाया है. इमाम के ऊपर प्रेशर बढ़ गया होगा. बिल्कुल, इमाम के ऊपर प्रेशर आ गए. कल भी हमने बात की थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो जिस तरह स्कोर करते चले आ रहे थे, और वो टेक्निकली साउंड, बिल्कुल यूसुफ भाई वाली बात कि उनका इंशाल्लाह इतना ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, और क्या पता वर्ल्ड कप में ही उनका वापस कह लें कि अपनी स्कोरिंग शॉट्स उनकी लगना शुरू हो जाए और स्कोर करें. अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया हमने, उसको एशिया कप में भी जब उसको मौका दिया, अल्लाह की तरफ से उसको चांस मिला, उसने वहाँ पर भी किया. कल उसको मौका मिला, उसने वहाँ पर भी किया. अब बात आ जाती है उसामा मीर की. मुझे लगता है कि उसको भी इंडिया के मैच में एक चांस दे देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो चीज अप्लाई कर रहा है वो हमारे हक में जा रही है. तो उसामा मीर को भी अब इंडिया के मैच में चांस मिल जाना चाहिए. लेकिन इंडिया के मैच में क्या हमें सेम प्लेइंग 11 के साथ ही नहीं जाना चाहिए? विनिंग कॉम्बिनेशन भी है, हम जीतते हैं मैच, कॉन्फिडेंस भी मिला होगा लड़कों को. आई थिंक वर्ल्ड कप के अभी बड़े मैचेस पड़े हैं. जिस तरह अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने चांस दिया और खिलाया, आई थिंक शदाब की फॉर्म, इतना कॉन्फिडेंस लेवल उसका अभी नहीं है उतना. ये नहीं है कि वो क्रिकेटर बुरा है, यू नो लाइक ही इज 3-1, मगर अभी बॉलिंग उससे अच्छी नहीं हो रही. अगर बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही तो असामा मीर को इंडिया ने खेला भी नहीं, मेरे ख्याल नहीं हुआ उसको. तो अब असामा मीर को आएगा तो इंशाल्लाह उसका इम्पैक्ट डिफरेंट पड़ सकता है. और उसकी फॉर्म भी अच्छी लगी हुई, लंबा कद है, इन पिचों के ऊपर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बाउंस चाहिए होता है.
तो आई थिंक ये डिसीजन किया जा सकता है, और ये इसलिए नहीं कि इंडिया के खिलाफ हमें टीम को चेंज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपने अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो यही दो तीन मैचों में अपने कम्बिनेशन को बेहतर करके फिर उसी टीम को खिलाएं, क्योंकि फिर तीन चार दिन का गैप आ जाता है, उसके ऊपर आपको रेस्ट मिल जाता है। तो आई पर्सनली थिंक जिस तरह अब्दुल्ला शफी का चांस लिया गया है तो असामा पीर पर भी चांस लिया जा सकता है। बिल्कुल लाला, मैं आपकी तरफ इसी बात पर आऊँगी। आज टीम जो है वो अहमदाबाद ट्रैवल कर रही है और उसके बाद तकरीबन कोई 5 दिन बाद वी विल फेस, 14 अक्टूबर को, तो 3 दिन बाद वी विल फेस जो है इंडिया के, हमारा आमना सामना होगा। बट यस, जिस तरह एक बहादुरी वाला डिसीजन अब्दुल्ला शफीक के लिए लिया और फखर को बिठा के अब्दुल्ला को खिलाया एंड दैट पेड ऑफ, क्या अब ये डिसीजन उसामा मीर के लिए भी लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है और लेना चाहिए भी। अब वक्त है कि ले लिया जाए, जो बेंच पे स्ट्रेंथ बैठी हुई है उनको कॉन्फिडेंस दे, और वो बगैर परफॉर्मेंस के बेंच पे नहीं बैठे हुए, उन्होंने परफॉर्म करके पाकिस्तान में जगह बनाई है और वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा है। तो आई मीन के वो तैयार है, कॉन्फिडेंट है वो लड़का। जिस तरह मुशी भाई बात कर रहे हैं, देखिए शादाब को कल मैं बॉलिंग करते हुए देख रहा था, उसको मैं बहुत गौर से देखता हूँ, इसलिए कि एज ए लेग स्पिनर हम भी सीखते रहे मुशी भाई वगैरह से। वो एक आधा ओवर के अंदर उसकी बॉडी इतनी ज़बरदस्त लगती है कि पूरा फॉलो अप रहता है, रुकता नहीं है। फिर बहुत सारे ओवर के अंदर डिलीवरीज के अंदर उसने मैंने देखा है कि वो बॉल को लाके छोड़ देता है और प्रोसेस कंप्लीट नहीं करता, जिसकी वजह से बॉल के अंदर जान नहीं रहती। तो वो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें मुझे तो नज़र आ रही हैं उसके अंदर और काफ़ी दिनों से नज़र आ रही है। मुशी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसामा मीर डिज़र्व करता है वो लड़का, और हमें वहाँ पे वो जो ओवर्स हैं इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे इम्पॉर्टेंट बैट्समैन खेल रहे होते हैं उस सिचुएशन में, तो उसका खेलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो शायद कह रहे हैं टेक्निकल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब एज ए लेग स्पिनर हम सारे, जब भी कोई, नॉट ओनली शदाब, कोई भी लेग स्पिनर दुनिया का, जैम्पा हो या आदिल रशीद हो, कल जैसे आदिल रशीद को मैंने देखा, उसका गूगली एक बहुत अच्छा हुआ, वो मज़ा आता है आपको क्योंकि हमने किया हुआ ना, तो आप इंजॉय करते हो दूसरे को भी करते हुए। जो शदाब की शायद बात कर रहे हैं टेक्निकल, इफ माई विल आस्क द कैमरामैन टू जस्ट फोकस ऑन माय क्लोज, ये देखें उसकी ना, उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, फ्रंट आर्म है ना, ये बहुत मैटर करता है क्रिकेट बॉल, क्रिकेट में अलाइनमेंट जिसे हम कहते हैं, ये उसका फ्रंट आर्म जो है ना, फ्रंट आर्म लॉक नहीं हो रहा। जब आपका पाँव भी ऐसे पड़ रहा है और आपका ये फ्रंट आर्म लॉक नहीं होता, ऐसे होता है ना, तो आपके अंदर ताकत नहीं होती। लाइक अ बॉक्सर, व्हेन बॉक्सर इज हैविंग साइड ऑन, और साइड ऑन बॉक्सर जब अपना ये बाजू पास रखता है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होती है। अगर ये खुल जाए ना, तो स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। ये छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये जो लेग स्पिनर की जो टेक्निक होती है ना, किसी भी स्पिनर की, जब उसका फ्रंट आर्म लॉक होता है ना, तो आप फ्रंट लेग के ऊपर ज्यादा देर तक खड़े रहते हो। जब आप ज्यादा देर तक फ्रंट लेग के ऊपर खड़े रहते हो, तो आपकी जो पिछली टांग है, इसको हम अपनी लैंग्वेज में, क्रिकेट कोचिंग लैंग्वेज में कहते हैं अप एंड ओवर। तो अप एंड ओवर में क्या होता है, ये लॉक हुआ आपका, आपने जैसे ही बॉल किया, ये पिछली टांग और ये वाला बाजू है ना, फिर आपकी सपोर्ट करता है, इसको कहते हैं एफर्टलेस स्पीड यू कैन गेन फ्रॉम दिस एक्शन। तो आई थिंक शदाब का थोड़ा सा टेक्निकल जो इशू चल रहा है, वो फ्रंट आर्म लॉक नहीं हो रहा, इसमें कई दफ़ा जो शायद ने कहा ना, कई बॉल बहुत अच्छे कर जाता है, कई दफ़ा उसका लॉक हो जाता है, रिस्ट अच्छा लग जाता है। तो आई थिंक ये छोटी सी चीज़ होती है, जब सम टाइम आप ये चीज़ को डिस्क्राइब करते हो, उसको साथ काम करते हैं, एंड आई एम श्योर वो काम कर रहा होगा, किसी ना किसी के साथ तो काम कर रहा होगा। तो किसके साथ, कौन है वहां? आई थिंक सारे हैं, मतलब उसमें स्पिन बॉलिंग कोच में नहीं, आई थिंक शदाब सेंसिबल है, या मैनेजमेंट जो मिकी आर्थर वगैरह, ये सारे हमारे अच्छे कोचेज हैं, अब्दुलरहमान गए हुए हैं, वो सारे जितने भी हैं वो अच्छा जानते हैं स्पिन को। इसके लिए छोटी सी चीज है, इसको ड्यूरिंग मैचेस आप बड़े अब्दुल रहमान ये करवा सकते हैं स्पिन की कोचिंग, बाय द वे अगर आई पर्सनली थिंक यस व्हाई नॉट, मतलब इस वक्त तो पॉजिटिव चीज देखी जाए, तो ये हम मैं और शाहिद या कोई भी लेग स्पिनर बैठा है, ये देख रहा है कि फ्रंट आर्म लॉक होता है ना, तो आप अप एंड ओवर और आपका ड्रिफ्ट भी ज्यादा होता है। मुशी भाई आप ही एक मैसेज करके कह दें प्लीज, हमारे लिए जरा अच्छा हो जाए। नहीं वो बच्चा है हमारा, उसने पाकिस्तान को बहुत जिताना और जितवाया हुआ है, मतलब ही इज अ वेरी गुड लैड, आई मीन वो इज अ गुड लिसनर ऑल्सो। मैंने तो सारा बचपन, मतलब अंडर 19 से उसके साथ काम किया हुआ है, और बड़े अच्छे रिलेशनशिप है, ये नहीं कि पूछता नहीं है, पूछता है, बट ड्यूरिंग मैचेज आप अगर टीम का हिस्सा नहीं होता, तो आपकी आप अपनी राय नहीं दे सकते, हो सकता है वो कुछ और सोच रहा हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना होता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला का कौल है बड़ा खूबसूरत, तब तक मशवरा मत दो जब तक कोई मांगता नहीं है, क्योंकि फिर आपका मशवरा जाया चले जाता है।